आशीष, सीरीज की शुरुआत में थोड़े डॉल मार्केट की मजबूती काम आती हुई दिखेगी और थोड़ी सी हम मजबूती के साथ खुल सकते हैं। वैसे भी 9675 9700 वो सपोर्ट जो है जहाँ पर अगस्त में हमने लॉस बनाए थे वहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार तेजी से नहीं गिरेगा और कुछ नए नेगेटिव फैक्टर्स भी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वहीं पर स्टॉप लॉस लगाकर एक बार तेजी का मौका लिया जा सकता है। फिलहाल डेटा इतने मजबूत भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ सकें, लेकिन 9800 ये अहम लेवल है जिस तरह से डेटा बने हुए हैं तो 9800 तक पहुंचेंगे। अगर मजबूती ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी और करेंसी मार्केट में कल जिस तरह की रिकवरी हुई वो आगे बढ़ती है तो फिर 9850 तक जाने की एक संभावना बन सकती है, लेकिन 9800 पार करना थोड़ा मुश्किल तो होगा इसमें कोई डाउट नहीं। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बेहतर मजबूती दिखी, कल ज्यादा शॉर्ट कवरिंग वहां पर होती हुई दिखी है तो 23800 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बैंक निफ्टी में भी खरीदारी का मौका बन सकता है 24000 के टारगेट के लिए। ये मजबूती का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता था आशीष, लेकिन चूंकि लंबा वीकेंड है और सोमवार को भी बाजार के अंदर जनरली आप कोई अच्छी खबर की उम्मीद रखते नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि तेजी जितनी होनी चाहिए शायद उतनी ना हो, थोड़ी सीमित हो और ऊपरी स्तरों पर वापस आपको मुनाफा वसूली भी आते हुए नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से लंबे वीकेंड से पहले ट्रेडर्स पोजीशन हल्की रखें और यही सोचें कि सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को नहीं होगी, मंगलवार को होगी। अच्छा, ट्रेडिशनल ड्रेसअप में आपकी फोटो नजर नहीं आई मुझे। बस बिल्कुल तैयारी हो रहा है। चलिए 8 बजे अनिल जी का वेट करेंगे, ट्रेडिशनल ड्रेसअप में वो भी नजर आएंगे आपको। लेकिन चलिए, तो अच्छा दिन हो सकता था लेकिन क्योंकि लंबा वीकेंड है तो शायद लोग पोजीशंस ऑब्वियसली कैरी नहीं करना चाहेंगे। तो जैसे अनिल ने बाखूबी हाईलाइट करा तो सीरीज की शुरुआत एक्चुअल टर्म्स में तो आपको मंगलवार जब हम लौटेंगे छुट्टी के बाद तब आपको देखने को मिलेगी। तो आज ठंडा काम काज लेकिन उसमें खरीदारी करने के मौके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और बाजार के एक और एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कह रही है, क्या रणनीति होगी निफ्टी को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कल के दिन में जो प्रेशर था मार्केट में रोल ओवर का और जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हो जाता है तो उसके बाद अगर एक्सपायरी अगर आती है तो उस एक्सपायरी के दिन से रोल ओवर के प्रेशर के बेसिस पे हम सोचते हैं कि मार्केट शायद और गिरेगा, बट कल के दिन में मार्केट ने 9685 को मैनेज किया जो काफी बड़ी बात है शॉर्ट टर्म के लिए। 9685 जो था वो प्रीवियस लो था, अगर 11 अगस्त का अगर आप लो देखेंगे तो वो था 9685 और कल के लोस थे निफ्टी के वो थे 9687। साथ ही साथ निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी एक रिकवरी देखी थी, क्रेडिट पॉलिसी भी सामने है तो समाव मुझे लग रहा है कि ये जो फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे पुल बैक का फॉर्मेशन है और हम वापस एक बार 9850 या 9890 के लेवल्स को छूते नजर आएंगे निफ्टी पे। तो करंट लेवल से मुझे लगता है शायद कोई वीक ओपनिंग हो या फ्लैट भी ओपनिंग हो तो हम लॉन्ग करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेंगे 9720 के, टारगेट रहेंगे 9850 से लेकर 9890। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इनफैक्ट दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके।